चर्चा के माध्यम से निकला है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई, जहां महिलाओं के शोषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील अलख श्रीवास्तव ने पीआईएल दाखिल कर मांग की है कि जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच हो, मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी जांच करे, पीड़ितों को मुआवजा और लापरवाही के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ेंगे। विकास, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये सबसे पहले तो ट्रांसफर हो, कोलकाता से बाहर हो ये पूरा मामला, पूरी जांच, और क्या कुछ इसके प्रमुख पहलू हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है? बिल्कुल जया, जहां तक याचिका में मांग की बात करें तो सबसे पहले ये कहा गया है कि इसको लेकर जैसा मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर एक एसआईटी गठित हो, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में समिति काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर ये कही गई है कि वहां पर जो माहौल है वो ट्रायल के लिए कॉन्ड्यूसिव नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा दबाव है, प्रशासन कहीं कहीं पर प्रशासन के ऊपर दबाव है, और ये भी कहा गया कि कहीं कहीं प्रशासन खुद पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर फेयर ट्रायल संभव नहीं है, इसीलिए इस ट्रायल को बाहर किया जाए, राज्य से ट्रांसफर, ये सारी मांगे यहाँ पर की गई हैं पीआईएल के जरिए जया। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हाईकोर्ट में भी इस तरह की एक सुनवाई होनी है, कलकत्ता हाईकोर्ट में, और वहां पर अगर इस मामले पर सुनवाई पहले हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या फिर उसके बाद एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता की बात करें तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं और उन्होंने ये पीआईएल शुक्रवार को दाखिल की थी और उन्होंने इसको शुक्रवार को उठाया भी था, लेकिन उस वक्त कोर्ट का ये कहना था कि जो याचिका के जो भी तथ्य हैं वो उनको देर से मिले हैं कोर्ट को और वो उसमें पूरी तरह से उसका उसकी स्टडी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए जो नेक्स्ट वर्किंग डे है यानी आज सोमवार है, आज के दिन इस केस को लिस्ट किया गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच है जो इस मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई में कुछ देरी भी हो सकती है क्योंकि जो पेटिशन जो केस का नंबर है वो लगभग 76वें नंबर पर है केस, तो मुमकिन है कि कुछ देर होगी इस मामले को बेंच के सामने सुनवाई में आने के लिए, और आज हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई होनी है, तो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि ये सुनवाई हाईकोर्ट में चलेगी इस मामले की या सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मणिपुर की को लेकर के एक मांग की गई कि जैसे मणिपुर में एक एसआईटी गठित की गई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए, वो ये देखने को मिलेगा अगले कुछ घंटों में, बात साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लंबित